स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी बॉस जो जून और जुलाई में एग्जाम होने वाला था, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी एक पिछले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें ये बोला था कि अभी वो जो है वो आपका कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस पर बहुत सारे जो कमेंट आए थे कि क्यों कैंसिल जो है वो क्यों नहीं हो सकता है, सारे बोर्ड ने अपना कैंसिल कर दिया। देखो बी बॉस जो है उसमें आधा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो अदर बोर्ड से आते हैं जो कि फेल होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी हद तक यही होता है। काफ़ी हद तक क्या मतलब 95-2% यही होता है कि अदर बोर्ड से आते हैं और उनको प्रमोट करना किसी भी बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अगर वो लोग चाहें तो पास आउट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बट वो लोग पास आउट नहीं करते हैं, मतलब पिछला बार भी देखो इस बार भी क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी एक बी बॉस के कोऑर्डिनेटर हैं जो कि बी बॉस में मतलब काफ़ी उनके स्कूल वगैरह में सेंटर वगैरह भी जाता है, तो मैंने उनसे बात किया था। ठीक है, तो उनका कहना क्या था, देखो सबसे पहले बी बॉस के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, स्टूडेंट को प्रमोट होने के चांसेस काफ़ी कम है, पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम जून और जुलाई में हमेशा होता था जैसा कि आप सभी को भी पता। ठीक है, खूब से खूब जून और जुलाई में होता था, बट एग्जाम जो है वो कैंसिल ना हो करके पोस्टपोन होगा। अगला डेट भी जा सकता है, जून जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है और दिसंबर वाला सेशन फिर आगे हो सकता है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हैं। अगर आप अदर बोर्ड से आए हो तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ना कि वेट करो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो और पोस्टपोन हो। सिलेबस इसका बिल्कुल ईजी होता है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सारा कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो दे दूंगा, तो आप वो जा करके एक बार देख लेना। सिलेबस बिल्कुल ईजी होता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं आप अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको हर रोज़ बी बॉस से रिलेटेड मेरे पास गाइड वगैरह भी है, मैंने ऑलरेडी गाइड वगैरह परचेज किया, कैसे आपको मंगवाना है तो आप जा करके मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप जा करके मेरा प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। एक वेबसाइट है जहाँ से ओपन बोर्ड वगैरह और एनआईएस का जो गाइड है वहाँ से आता है। एनआईएस का तो आप चाहो तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी ले सकते हो, बट बी बॉस का वैसे बहुत कम ही मिलता है। तो ये हो चुका, ठीक है, तो मैं उससे आपको रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली MCQ ज़्यादा आता है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट MCQ और जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है मैं आपको एवरीडे इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको जो है वो देखना है, ठीक है, उसको देखना है और देख करके आपको लिख लेना और तैयारी करना है, क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस और प्रमोट होने के चांसेस हैं, बट उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। हो भी सकता है, क्योंकि कल न्यूज़ आया था कि जो है वो थर्ड वेव भी कोरोना का 110% अब आएगा ही 3-4 सप्ताह में। ठीक है, तो मे बी वो लोग आपको डेट को एक्सटेंड कर दें और एग्ज़ाम ले लें, तो आपको एग्ज़ाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैंसिल और पोस्टपोन्ड होने प्रमोट होने के चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, पोस्टपोन्ड होने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं और पोस्टपोन्ड होगा ही, जून और जुलाई में जो होता है वो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन सेल्फ, ठीक है, आपको प्रिपेयर रहना है। तो इस वीडियो के यहीं पर खत्म करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।